गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोना है कहां सोना है चौकीदार, कि चाय बेचने वाला शायर पहले हम सांसद बाद में मेरे अंदर का शायर जो बोल रहा है वो सुनिए, कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है, रेल बिक गई तेल बिक गया बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। आपने जो सवाल पूछा ना उसको बड़ी खूबसूरती से जो है पॉलिटिकल को इलेक्टोरल बना दिए। आप बताइए पॉलिटिकल होने का मतलब सिर्फ इलेक्टोरल होना होता है? मैं एक सवाल एक मिनट जवाब के सारे सवाल का जवाब दूंगा। गांधी पॉलिटिकल थे कि नहीं थे? गांधी ने कितने चुनाव लड़े? तो क्या उसका मतलब पॉलिटिकल नहीं है? मैं यही कह रहा हूं कि पॉलिटिक्स का एक एस्पेक्ट है इलेक्शन, एक एस्पेक्ट है। पॉलिटिक्स को अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो उसमें और भी दूसरी चीजें हैं। अगर सिर्फ हम इलेक्शन पे ही सारी डिस्कोर्स को अगर रिड्यूस कर देंगे तो डेमोक्रेसी अपने आप में जो है ना प्रोसीजरल बन करके रह जाएगी, और डेमोक्रेसी जो है सिर्फ प्रोसीजरल नहीं होता है, पार्टिसिपेटरी होता है, और पार्टिसिपेटरी जब होता है डेमोक्रेसी तो उसमें वो सब लोग भी इम्पोर्टेंट है ना जिनकी इलेक्टोरल विक्ट्री नहीं होती है, उनकी भी आवाज इम्पोर्टेंट है जिनके पास कोई मेजोरिटी नहीं है। ये हमको समझना पड़ेगा। हमने कभी नहीं कहा कि ये यात्रा पॉलिटिकल नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, और इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के चलते हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। इसीलिए कोई हमारे साथ आए ना आए, हम सड़कों पर हैं। ये हमारा सबसे बड़ा मास कनेक्टिंग प्रोग्राम है। हम ये मास कनेक्टिंग प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं कि मास मीडिया फंक्शन नहीं कर रहा है, मास और मीडिया अलग हो गया है। पब्लिक पार्टिसिपेशन का जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है इस देश में संसद, वहां पे लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है। टीवी स्टूडियो के डिबेट में महंगाई का मुद्दा गायब है। 100 डिबेट होते हैं तो एक डिबेट जो है लोगों के इश्यूज पे होते हैं, 99 डिबेट जो है वो हिंदू मुसलमान पर होता है। ये सिचुएशन को एसेस करने के बाद इट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि आपको बुनियादी तरीकों पर लौटना पड़ता है, और बुनियादी तरीका यह है कि अंग्रेज के जमाने में भी जब कुछ समझ में नहीं आता था ना तो लोग यात्रा पे निकलते थे। लोग की समस्याओं को आप नजदीक से समझ पाते हैं और लोग आपको नजदीक से समझ पाते हैं। सरकार आपके द्वार आए ना आए, विपक्ष आपके द्वार जरूर आ गई है, बिल्कुल स्पष्ट उद्देश्य।